हाँ भाई साहब, जो 70 वीडियो वैन हैं इसको लेकर किस तरह का अभियान है और ये अभियान आने वाले चुनाव में क्या असर डालने वाला है? देखिए, दिल्ली में जिस प्रकार से हमने काम किया है उस काम को बताने के लिए जन जन तक हम उस काम को पहुंचाएंगे कि केजरीवाल मॉडल दिल्ली में जो रहा और केजरीवाल जी को 3 बार लगातार दिल्ली की जनता ने जो जिताया है। आज दिल्ली में 6 साल से अधिक टाइम हो गया केजरीवाल जी की सरकार को आए हुए, वहाँ पर सरकारी स्कूलों की हालत इतनी अच्छी कर दी है कि प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हो गए, जो निजी स्कूल हैं उनकी फीस बढ़ने नहीं दी गई, महिलाओं के लिए बस में टिकट बिल्कुल फ्री है, एक दिन में जितनी बार भी बसों में चढ़े उतरे कोई 1 रुपया नहीं उनसे लिया जाता है। वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक हमने इतने अच्छे दिए हैं, जितनी भी जो सुविधाएँ हमने वहाँ दी है वो सुविधाएँ हम इन वीडियो वैन के माध्यम से अगले 45 दिन तक हर विधानसभा में एक वीडियो वैन रहेगी और वो दिखाएगी कि हमारे दिल्ली का क्या मॉडल है। और उत्तराखंड में भी केजरीवाल इस अभियान की हमने शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हम 1 लाख सक्रिय सदस्य उत्तराखंड में बनाएंगे और 6,500 हम जनसंभाएं इन वीडियो वैन के माध्यम से करेंगे विभिन्न जगहों पर, और साथ साथ 10 लाख घरों को हम नॉक करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ हम ये भी दिखाएंगे कि किस प्रकार से उत्तराखंड की जो सरकारें रही उन्होंने उत्तराखंड में किस तरह से हालत बद से बदतर कर दी। यहाँ पर 0 वर्क CM बैठे हैं जो सबसे निचले पायदान में आते हैं, विभिन्न टीवी चैनलों के सर्वे को अगर देखा जाए तो उनमें तो ये हाल क्यों है, कहाँ एक तरफ केजरीवाल जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कहाँ हमारी उत्तराखंड के नाम रोशन होने की जगह नाम बदनाम हो रहा है क्योंकि हमारे CM सबसे निचले स्तर पर आ रहे हैं। वो सब हम उत्तराखंड की जनता को बताएंगे और अगर उत्तराखंड में हमारी सरकार बनती है तो उत्तराखंड में भी दिल्ली की तरह से ही हम सरकारी स्कूलों को अच्छा करने के, डांडी कांडी जो है महिलाओं का प्रसव में जिस प्रकार की दिक्कत आती है, स्वास्थ्य नहीं मिल पाता, उन सब पे कार्य करेंगे, पलायन और बेरोजगारी की जो यहाँ बड़ी समस्या है उन पर हम काम करेंगे ताकि यहाँ उत्तराखंड का जो एक नौजवान है, युवा है, पहाड़ का पानी और पहाड़ का की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती तो पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आए। उत्तराखंड किसान है बिजली और पानी का, हमारे यहाँ से तो उत्पादन होता है बिजली और पानी का, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल सरकार बिजली पानी खरीदने के बावजूद भी जब फ्री दे सकती है तो हम तो किसान हैं बिजली पानी के, तो उत्तराखंड में तो बिजली पानी फ्री मिलना चाहिए। वो बिजली पानी फ्री हो सके उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड की जनता अच्छे लोगों को चुने, अच्छी सरकार को चुने, और अगर हमारी सरकार आती है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही, यहाँ हम वो सब काम करेंगे जो हमने दिल्ली में किए हैं।